नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में खुद को सुरक्षित रख पाना कोई आसान काम नहीं है, मगर ये मुश्किल हो या ना हो, चाहोगे तो हर व्यक्ति यही कि वह हमेशा सुरक्षित रहे, परंतु अक्सर लोग अपनी जल्दबाजी के चलते ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। ज्यादातर ये दुर्घटनाएं वाहन चलाते समय होती है दोस्तों, इसलिए वाहन के चलाते समय आप यदि बहुत अधिक सतर्कता बरतेंगे, अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय यदि करते रहेंगे, और ज्योतिष के माध्यम से मैं आज आपको इस वीडियो में एक अचूक उपाय बताऊंगी, यदि वह आप करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में दुर्घटना हो, क्योंकि दुर्घटना तो एक सेकंड में हो जाती है लेकिन हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि आप वाहन सतर्कता से नहीं चलाते हैं तो आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, और ज्योतिष को दुर्घटना से भी जोड़ा गया है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जो कि दुर्घटना के कारण होते हैं। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, कौन से ऐसे अशुभ ग्रहों की वजह से आपकी दुर्घटना हो सकती है आपके जीवन में, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे पूरे जीवन के बारे में जान सकते हैं। वाहन यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे होंगे तो आप भली भांति जानते होंगे कि हमारी कुंडली में छठा और आठवां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है। ये रोग, ऋण, शत्रुओं और मृत्यु तुल्य कष्ट का कारक ग्रह माना जाता है दोस्तों। यदि छठे भाव व अष्टमेश का स्वामी भी अशुभ ग्रहों के साथ होता है तो कुंडली में हमारे दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। वाहन से यदि दुर्घटना होती है तो शुक्र को देखना भी बहुत अधिक जरूरी होता है दोस्तों। लोहा मशीनरी से यदि कोई दुर्घटना होती है तो वह शनि का कारक होता है दोस्तों, अर्थात शनि का अशुभ प्रभाव यदि आपके जीवन में होता है तो आप मशीनरी से रिलेटेड या फिर लोहे से रिलेटेड आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो सकती है। अब यदि आपके आग या फिर विस्फोटक से संबंधित कोई दुर्घटना होती है तो वह मंगल और शनि को हम देखकर जान सकते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा योग बन रहा है जो कि इस दुर्घटना का कारण वह बन सकता है दोस्तों। अर्थात हम देखते हैं कि शनि है, राहु ग्रह भी ऐसा ग्रह होता है जो कि दुर्घटना का कारक ग्रह माना जाता है, और शुक्र को भी देखना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि शुक्र हमारी कुंडली में नीच का हो गया, अस्त हो गया, और यदि वह पाप ग्रहों के साथ में है तो आपके वाहन दुर्घटनाओं के अधिक योग बनते हैं दोस्तों। शनि, मंगल, केतु अष्टम भाव में वाहन आदि से दुर्घटना के योग बनते हैं। हमारी कुंडली में चौथा भाव सुख सुविधाओं का घर माना जाता है। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 12 भावों के बारे में आपको पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। चौथा भाव वाहन का कारक घर भी माना जाता है। यदि वाहन के आपके योग बनते हैं तो चौथा भाव को देखा जाता है। अब यही चौथे भाव का स्वामी यदि आपके अस्त हो गया है, नीच का हो गया है, या पाप ग्रहों के साथ में युति कर रहा है तो आपके वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं दोस्तों। और इस चौथे भाव का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, और शुक्र भी यदि पीड़ित अवस्था में हो जाए तो वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, यदि वह उपाय आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। वाहन के डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति आपको लगानी चाहिए। चित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। वाहन में शिव जी या फिर हनुमान जी की तस्वीर या फिर मूर्ति लगाकर आप उसकी विधिवत स्थापना करें अपने वाहन के डैशबोर्ड पर। इसके अलावा आप वाहन की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। वाहन में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वाहन के अंदर नेगेटिव तरंगे पैदा होती है। वाहन में तेज गाने भी आपको नहीं चलाने चाहिए। वाहन के अगले शीशे पर कुछ भी नहीं लिखवाएं। पीछे के शीशे पर मंत्र आदि आप लिखवा सकते हैं, इससे भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अब यदि आप वाहन खरीदते समय कुछ सावधानी बरतेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी राशि के अनुसार लक्की कलर्स के वाहन खरीदें। कौन से राशि के लक्की कलर्स होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में 12 राशियों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे रखी है कि वाहन के लिए आपका लिए कौन सा लक्की कलर्स रहेगा, तो आप अपनी राशि के अनुसार देखकर जान सकते हैं। अब बाय चांस आपने वाहन खरीद लिया है लेकिन वह आपके हिसाब से लक्की कलर नहीं है तो उसके लिए भी आप एक छोटा सा उपाय अपना सकते हैं। आप अपनी गाड़ी के बोनट पर लाल सिंदूर से आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक का आप ध्यान रखें कि वह विधिवत से बनाना चाहिए दोस्तों। स्वास्तिक यदि आड़ा तिरछा हुआ तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है, इसलिए स्वास्तिक बनाते समय भी आप सतर्कता बरतें दोस्तों। वाहन में कभी भी धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल से चलती है, तो धूप अगरबत्ती से भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं।
यदि आप बार बार दुर्घटना के शिकार होते हैं, आप बच जाते हैं, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में जरूर अपनाने चाहिए और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी अवश्य करवाने चाहिए। हो सकता है आपके कौन से दूसरे मारक ग्रहों के कारण आपके जीवन में यह परेशानियां उत्पन्न हो रही है। हनुमान जी के मंदिर में आपको मिट्टी के दिए में चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में कलाई पर आप मूली बंधवाइए। एक छोटा सा मात्र उपाय है, यदि आप अपने जीवन में करते रहेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद भी आप समय समय पर बंटवाते रहिए और हनुमान जी को यदि आप सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं तो वह आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, इससे आप दुर्घटना से बच सकते हैं। और यदि आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप राहु काल का विशेषकर ध्यान दें। राहु काल के समय आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। यदि आप इस समय निकलते हैं तो आपकी यात्रा कभी भी सफल नहीं होती है, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पूरी बस भरकर कहीं पर जाती है, पिकनिक स्पॉट बना पिकनिक पर जाती है, पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर हम शादी के लिए जाते हैं, तो हम राहुकाल का यदि ध्यान नहीं देते हैं और राहुकाल में ही हम यात्रा प्रारंभ कर देते हैं तो वह दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है हमारे जीवन में। यदि दुर्घटना हो जाती है तो पूरा जीवन आप देख ही सकते हैं कि पिछले हमारे जो सदस्य हमारे से जुड़े हुए रहते हैं उनका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। अब बात करते हैं एक महा अचूक उपाय की दोस्तों। यदि आपने यह उपाय करा तो 100% आप दुर्घटना से बच सकते हैं। आपको आकस्मिक दुर्घटना जो आपके जीवन में घटित होने वाली है उसका डर भी आपको नहीं सताएगा। सबसे पहले आप एक छोटा सा लाल रुमाल टाइप एक चौकोर कपड़ा ले लीजिए। इस लाल रुमाल के चारों किनारों पर आप लाल चंदन से गंगा जल से मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं दोस्तों। इसके बाद रुमाल के बीच में भी एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, अर्थात चारों कोनों पर एक एक स्वास्तिक और बीच में एक स्वास्तिक आप बनाएं और इस स्वास्तिक के ऊपर बीच में जो स्वास्तिक बना हुआ है इसके ऊपर आप कुछ छुहारे रख दें। वह छुहारे की संख्या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है या फिर 5 आप रख सकते हैं। और इसके बाद आप हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी का जो मंत्र होता है ओम श्री हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है, हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यदि आप इस उपाय को करते समय 108 बार आप इस मंत्र का जाप करें ध्यान अवस्था में बैठ कर दोस्तों, और इसके बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करें। यदि आप जाप कर रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखें और एक पोटली की बना ले, यानी कि रुमाल को आप चारों तरफ से बांधकर एक पोटली आप बना ले। इस पोटली को आप अपने घर में या फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में लगाकर आप अपने वाहन पर रख ले। आप पूजा स्थल में जाकर आपके घर में जो भी पूजा स्थल है वहां पर भी इस पोटली को आप थोड़ी देर के लिए रख दे या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी इस पोटली को थोड़ी देर के लिए रखकर उनके चरणों में समर्पित करके फिर यदि आप इस पोटली को अपने वाहन में रखेंगे तो 100% आप दुर्घटना से बच सकते हैं। यह उपाय आप 2-व्हीलर्स के लिए भी कर सकते हैं और 4-व्हीलर्स के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा वाहन चलाते समय आप बहुत अधिक सतर्कता बरतें, नियमों का उचित पालन करें, तेज गति में वाहन नहीं चलाएं तो आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। कोई भी इंसान यह नहीं चाहता है कि वह दुर्घटना का शिकार हो, लेकिन अक्सर हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, नेगेटिव खबरें भी पढ़ते हैं, उसमें एक्सीडेंट की खबर तो निश्चित ही आती है कि आज यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वहां पर एक्सीडेंट हो गया। इसलिए यदि आप ज्योतिष का सहारा लेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत अधिक सरल कर सकते हैं दोस्तों। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।